सो गुड मॉर्निंग बच्चों, नाउ वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th एंड दिस इज योर लास्ट लेक्चर ऑफ द टॉपिक्स एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द इवैपोरेशन इन द लास्ट टॉपिक सो वी विल कंटिन्यू आफ्टर इवैपोरेशन। सो क्या होता है बेटा इवैपोरेशन, उसके बारे में देखते हैं। इवैपोरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इसका व्हाट इवैपोरेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा इवैपोरेशन कहते हैं। ठीक, तो अब आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवैपोरेशन के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवैपोरेशन के बारे में। और इसके बाद हमें कूलिंग कॉज बाय इवैपोरेशन पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करना है। ठीक, लास्ट टॉपिक में है हम लोग लगभग। ठीक, तो चलिए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवैपोरेशन में। देखो बेटा चार फैक्टर हैं जो इवैपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला है ठीक है टेम्परेचर, क्या चीज बेटा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है, और इवैपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या चीज बेटा इवैपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टेम्परेचर। इवैपोरेशन क्या होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवैपोरेशन बढ़ जाएगा और टेम्परेचर घटाओगे तो इवैपोरेशन क्या होगा घट जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि लेट अस सपोज हम लोग एक पतीला लिए पानी का, ठीक है, और इस पतीले पानी में हम लोगों ने क्या कर दिया टेम्परेचर देना शुरू किया, हीट देना शुरू किया। हमने एक कंटेनर में 110 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया है और दूसरा कंटेनर जो लिया है उसमें हमने 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया। तो आप ही बताओ कि 150 डिग्री सेल्सियस वाले में आपका इवैपोरेशन ज़्यादा होगा कि 110 डिग्री सेल्सियस वाले में। ऑब्वियस सी बात है 150 डिग्री सेल्सियस वाले में इवैपोरेशन प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो इवैपोरेशन प्रोसेस भी क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग इसके बाद देखते हैं कि इवैपोरेशन के बाद जो दूसरा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है उसको सबसे ज्यादा वो है आपका सरफेस एरिया, क्या चीज बेटा सरफेस एरिया। देखो अगर हम लोग सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया में आपका क्या चीज इवैपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, क्या चीज इवैपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। यानी अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो इवैपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ाने पर इवैपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगी और सरफेस एरिया घटा दोगे तो इवैपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा घट जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक, ये देखो मैंने कहा एक छोटा सा कप है जिसमें मैंने यहाँ पास टी लिया, क्या लिया चाय, इस कप में मैंने चाय लिया और इसी चाय को इसी एक प्लेट में ले लिया, एक बड़े से किस में ले लिया एक प्लेट में ले लिया। तो एक चीज़ बताओ जहाँ पास आपका चाय बड़े से प्लेट में है यहाँ पास जाहिर सी बात है सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक, और यहाँ पास सरफेस एरिया क्या है कम है, कम है और यहाँ क्या है ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है चाय ठंडी ज़्यादा कहाँ होगी आपका इस वाले में, क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने पर इवैपोरेशन प्रोसेस बढ़ जाता है और इवैपोरेशन प्रोसेस अगर बढ़ा तो जाहिर सी बात है चाय हमारी ठंडी किसमें जल्दी होगी आपकी प्लेट में। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि व्हाई वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क इन अ सॉसर पैन रादर देन इन अ कप, मतलब कि हॉट टी और मिल्क को, ठीक है, गर्म चाय या गर्म दूध को हम लोग एक हम लोग पैन में ही क्यों लेते हैं, ठीक है, कप में क्यों नहीं लेते हैं, इसलिए क्योंकि पैन में लेने से बेटा इवैपोरेशन प्रोसेस जल्दी हो जाता है और इवैपोरेशन प्रोसेस जल्दी होने से आपका उसकी कूलिंग क्या होती है अच्छी होती है जल्दी हो जाती है। तीसरा है आपका जो फैक्टर इफेक्ट करता है इवैपोरेशन को वो है आपका विंड स्पीड, क्या चीज विंड स्पीड, ठीक, विंड स्पीड। अगर हम लोग विंड स्पीड की बात करें तो इवैपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवैपोरेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। इवैपोरेशन क्या होता है विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट सपोज आपको कपड़ा फैलाना है, कपड़ा आपने धुला है और कपड़ा फैलाना है आपको, ठीक है। रात में आपने कपड़ा धुला, एक कपड़ा आपने क्या किया ऐसे ही बालकनी पे फैला दिया और एक कपड़ा अंदर फैन चल रहा था वहां पे टांग दिया, तो जाहिर सी बात है विंड स्पीड ज्यादा कहाँ पास है। जो आपने कमरे में कपड़ा फैलाया तो जाहिर सी बात है सूखे का कौन पहले, आपका जो कमरे वाला है, तो कमरे वाला सूखा इसलिए क्योंकि विंड स्पीड ज्यादा थी और विंड स्पीड ज्यादा होने से ही वाइब्रेशन प्रोसेस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। तो आइए चौथा देखते हैं हम लोग। चौथा है बेटा ह्यूमिडिटी। क्या चीज? ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर, द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर, यानी जितना अधिक वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में रहेगा ह्यूमिडिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। इसका मतलब ठंडियों के दिन में कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है और गर्मियों के दिन में कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पास अगर हम लोग देखेंगे ह्यूमिडिटी की बात करके तो इवेपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इवेपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इवेपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ह्यूमिडिटी। इसका मतलब अगर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी तो इवेपरेशन प्रोसेस क्या होगा, कम होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपरेशन प्रोसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब आप सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठंडियों के दिन में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो देखो कपड़ा देर में सूखता है, कपड़ा देर में सूखने का मतलब इवेपरेशन प्रोसेस क्या हो रहा है, वहाँ पास कम हो रहा है, ठीक। जबकि गर्मियों के दिन में ह्यूमिडिटी क्या होती है, एटमॉस्फेयर में कम होती है, इवेपरेशन प्रोसेस ज़्यादा होता है और कपड़ा जल्दी सूख जाता है, ठीक है। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द इवेपरेशन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपरेशन। अब हमें जो टॉपिक देखना है वो देखना है आपका कूलिंग कॉस्ट बाई, क्या चीज़ बेटा? कूलिंग कॉस्ट बाई आपका इवेपरेशन, इवेपरेशन से जो कूलिंग होता है उसके बारे में देखना है, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आपका कूलिंग कॉस्ट बाई इवेपरेशन, क्या चीज, आइए देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इससे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, तो टॉपिक है आपका कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के जरिए होने वाली कूलिंग की बात करने जा रहे हैं। तो देखो अगर कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन की बात करेंगे तो एक सिंपल सा देखो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी बॉडी की अगर हम लोग हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी लेट अस सपोज हमारे सरफेस पर पसीना निकल रहा है, हमारे सरफेस पर हाथ पर पसीना निकल रहा है, और ये पसीना जो निकला हुआ है, स्वेटिंग जो हुई है, वो अगर उतनी दूर की हीट एब्जॉर्ब कर ले और हीट एब्जॉर्ब करके इवेपरेट हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पास क्या होगी, ठंडक फील होगी, क्या हो गया, ठंडक फील होगा, ऐसा ही तो होता, ठीक। यानी जाहिर सी बात है कहीं की तुम हीट एब्जॉर्ब करके अगर उसको बाहर निकाल दोगे तो वहाँ पास कूलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो यह पास कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन में हमें यही देखना है, ठीक। तो देखो कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन हम लोग कुछ हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं, जो भी क्वेश्चन भी है आपका एनसीईआरटी का। जैसे क्वेश्चन है हाउ डज द वाटर कीप इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग हॉट समर, क्वेश्चन है व्हाई डू वाटर टेकन इन एन अर्थन पॉट, टेकन इन एन अर्थन पॉट, टेकन इन एन अर्थन पॉट, और इसी में हम लोग लिख सकते हैं मटका, अर्थन पॉट वही मटका, ठीक है, गिव्स बेटर कूलिंग इन हॉट समर डे, गिव्स बेटर कूलिंग इन समर डे, गर्मियों के दिन में आपका घड़े में रखा हुआ पानी आपका अच्छे से ठंडा क्यों होता है, ज़्यादा ठंडा क्यों होता है। देखो मटके का केस देखो बेटा, लेट सपोज ये आपके पास मटका है, ठीक। एक्चुअली मटके में रखा हुआ जो भी पानी होता है
इसके बाहर बेटा ये जो मटका होता है इसमें छोटे छोटे टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, टीनी टीनी होल्स होते हैं, टीनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और इन्हीं होल से लगातार जो वाटर होता है मटके के अंदर रखा हुआ वो लगातार सिप होता रहता है। क्या होता है सिप? सिप का मतलब क्या चीज़? बाहर निकलना। ठीक है, तो लगातार जो मटके में रखा हुआ पानी है वो लगातार इन होल से छोटे छोटे स्मॉल पोर से लगातार आउटर सरफेस पर पोर होता रहता है, आउटर सरफेस पर निकलता रहता है, और लगातार यहाँ की गर्मी को लेकर, यहाँ की हीट को लेकर क्या हो जाता है? इवेपरेट हो जाता है। क्या होता है बेटा? इवेपरेट हो जाता है। और अभी अभी हमने तुमको बताया कि अगर किसी भी जगह की, किसी भी सरफेस की तुम हीट को लेकर एब्जॉर्ब करके अगर उड़ गए तो वहाँ का सरफेस क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो जितना अधिक यहाँ पास इवेपरेशन होगा, ठीक है, उतना अधिक घड़े में रखा हुआ पानी क्या होता है? ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि हमने कहा था कि आपका इवेपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यानी यहाँ पास अगर हम आंसर लिखना चाहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है, इन एन अर्थन पॉट देयर इज स्मॉल टाइनी होल्स फ्रॉम विच water gets sipped continuously and gets evaporated by absorbing latent heat। वो जो small amount of heat होता है बेटा उसको latent heat कहते हैं, absorbed by absorbing latent heat। क्या चीज? बाई एब्जॉर्ब लेटेंट हीट को लेकर वहाँ की क्या हो जाते हैं? ये इवेपरेट हो जाते हैं, और इस तरह से वहाँ पास अर्थन पॉट में रखा हुआ पानी क्या होता है? आपका ज़्यादा ठंडा हो जाता है, कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, ये रहा आपका कूलिंग कॉज बाई इवेपरेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन होगा कि वेन वी पुट सम पेट्रोल और एसीटोन। देखो जब हम लोग कोई पेट्रोल या एसीटोन हम लोग जब हथेली पर गिराते हैं तो वहाँ पास ठंडक फील होना शुरू हो जाता है कुछ देर के लिए। या नेल पॉलिश अगर हम लोग लगाते हैं, एक्चुअली नेल पॉलिश का जो बेटा डिबिया होती है उसमें एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन। अगर नेल पॉलिश की डिबिया को हम लोग ऐसे खुला छोड़ देना तो नेल पॉलिश सूख जाएगा। एक्चुअली उसमें एसीटोन होता है, और एसीटोन में लगातार क्या होता है? इवेपरेट होने की टेंडेंसी होती है। क्या होता है? इवेपरेट होने की टेंडेंसी होती है। तो यानी क्वेश्चन है, व्हाई व्हेन We put some acetone or petrol on our palm, we feel cool। हमें क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। एक्चुअली इसका भी आंसर यही है कि when the petrol or acetone get drop on our hand, then it absorb the latent heat। वहाँ की क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है and gets evaporate। और क्या होता है? इवेपरेट हो जाता है and we feel cool। और हम कुछ देर के लिए वहाँ पास क्या होता है? ठंडा महसूस करते हैं। तो यहाँ पास जो कूलिंग हमने देखा वो किसके जरिए हुआ बेटा? वो हमारा इवेपरेशन के जरिए हुआ। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। हमें गर्मियों के दिन में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स। क्या चीज बेटा? कॉटन क्लोथ्स हमें पहनना चाहिए। और कॉटन क्लोथ इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि कॉटन क्लोथ जो होते हैं आपके वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के। ठीक, वो स्वेटिंग को, जो आपकी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है उसको क्या कर लेते हैं? लगातार एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो आपकी बॉडी की लेटेंट हीट को लेकर इवेपरेट हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारा बॉडी का टेम्परेचर बना रहता है। ठीक है ना, तो वी शुड वियर कॉटन क्लोथ इन समर बिकॉज, ठीक है, दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट एंड एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट एंड गेट्स इवेपोरेट, सो वी फील कूल इन द समर डे एंड आवर बॉडी टेम्परेचर रिमेंस मेंटेन। ठीक है, तो ये था आपका बेटा क्या चीज क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड आपका क्या चीज आंसर। ठीक, अब बेटा ये आपका यहाँ पास लास्ट टॉपिक था। ठीक है, एक छोटा सा मैं एक टॉपिक और डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, जिसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। देखो लेटेंट हीट की अगर हम लोग बात करें, लेटेंट हीट यही जो आपकी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट चाहे आपका यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, चाहे आपके पाम से एब्जॉर्ब हो रहा है,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है ना। द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना। वो स्मॉल अमाउंट का हीट जिसकी जरूरत पड़ती है बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए। यहाँ पास लिक्विड कंटेंट में था, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मिला, लेटेंट हीट क्या हो गया, उसको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पास हम लोगों ने देखा किसके बारे में, आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग के लास्ट टॉपिक जो कि था आपका क्या था, इवेपोरेशन। चलो और बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे उसके बारे में, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमें फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन के हमें क्या देना है, रीज़न देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो हमने कई सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे भी डिस्कस किए, ठीक। तो क्वेश्चन है, गिव रीजन, क्या है बेटा, गिव रीजन, आपको रीजन देना है। जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है नेप्थलीन बॉल्स गेट्स डिसअपीयर विथ टाइम without leaving any solid, बिना कोई भी एक सॉलिड दिए हुए, नेप्थलीन बॉल्स आपका क्या होता है, डायरेक्टली गायब हो जाता है। इसलिए बेटा, क्योंकि नेप्थलीन बॉल्स के अंदर आपकी सबलिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। नेप्थलीन बॉल्स वही कपूर की गोली जो आप कपड़े में रखते हो, ड्यू टू सबलिमेशन इट कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू गैस। नेक्स्ट है आपका, जो आपका जो क्वेश्चन है गिव रीजन का, वो है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। क्या चीज, वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम गेटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम लोग परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर पर बैठे रहते हैं तभी हमें आ जाती है। एक्चुअली इसलिए बेटा, क्योंकि जो इस आपको परफ्यूम होता है, परफ्यूम में क्या होता है, आपका स्प्रे होता है जो कि लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली वेपर में, ठीक है। और ये वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम वाले, ये एयर के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स होकर। आप अगर यहाँ पास बैठे हो तो ये आपके नाक तक आसानी से पहुँचती है और आप उसकी स्मेल एक्वायर कर लेते हो। तो यहाँ पास आप आंसर लिख सकते हो इसके बारे में, ठीक है। ड्यू टू डिफ्यूजन इन द एटमोसफियर ऑफ परफ्यूम पार्टिकल, ठीक है ना, इट गेट्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर फिजिकल स्टेट वाटर की क्या होगी, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता है फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, आपका वेपर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सर्च करके आप उसको कॉपी में करोगे, मैं आंसर बताते चल रहा हूँ आपको। गिव टू रीजन्स टू जस्टिफाई, तुम्हें दो रीजन्स बताने हैं जस्टिफाई करने के लिए। पहला है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, वाटर रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड होता है, बिकॉज इट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, देयर इज अ टू रीजन। एंड आयरन अल्मीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इट हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, जबकि वाटर के केस में इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट डो नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ठीक। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन, वह है वाटर प्रोड्यूसेस मोर सीवर बंस, व्हाट प्रोड्यूसेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवर बंस,
बॉइलिंग वाटर और स्टीम, बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ठीक है। बोला है कि कौन सबसे ज्यादा आपको बर्निंग कॉज करेगा, तो बर्निंग बेटा कौन कॉज करता है आपका? स्टीम। एक्चुअली स्टीम में आपकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है, लेटेंट हीट अगर इसमें ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आपका स्टीम जो होगा वो ज़्यादा बर्न कॉज करेगा, जबकि बॉइलिंग वाटर आपका कम बर्न कॉज करता है, जबकि दोनों का टेम्परेचर क्या होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये थे आपके कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के साथ साथ सारे टॉपिक आपके खत्म हुए, ठीक है। तो चलिए सारे लेक्चर्स आप अच्छे से देखिए, उसके नोट्स बनाइए और मुझे सेंड करिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, और जहाँ पास कोई भी डाउट हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9450032080 पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या डायरेक्टली कॉल करके मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको, फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, जो अगला लेक्चर फिजिक्स का है मौसम के बाद का, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।